सबसे पहले हमारे पास वेस्टर्न माउंटेन्स के अंदर आते हैं वजीरिस्तान हिल्स, सीहर लैप, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्लाइमेट किस तरीके का है वजीरिस्तान हिल्स का, देखो डिपेंड करता है आप कौन से इलाके में हो, ठीक है। यू हैव सम एरियाज, ठीक है ना, वेयर यू हैव जनरली इट्स हाईलैंड क्लाइमेट, ठीक है। यू हैव सम एरियाज वेयर यू हैव एक्सट्रीम स्नोफॉल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल दे दें कोई इसकी, सफेद को रेंज, ठीक है। सफेद मीन्स व्हाइट, को मीन्स माउंटेन, इसको व्हाइट माउंटेन रेंज क्यों कहते हैं, बिकॉज इट इज ऑफन कवर्ड इन स्नो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हाईएस्ट पीक, वजीरिस्तान हिल की हाईएस्ट पीक इज कॉल्ड सिकरम, ठीक है, एंड इट इज अबाउट 4755 मीटर्स, ठीक है, इट इज अबाउट 4755 मीटर्स। ये अप्रोक्सीमेशन है, हाँ, अगर आप 4700 लिख दोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है, इसमें इतना परेशान नहीं होना। इकोनॉमिक लाइफस्टाइल कैसा है, लोग यहाँ पर कैसे रहते हैं, क्या करते हैं? भाई देखो, सबसे पहली चीज तो यहाँ पर जो मेन चीज है ना, वो आपको मिल जाते हैं बहुत सारे बेटा मिनरल्स, क्या मिल जाते हैं, हाई मिनरल डिपॉजिट है यहाँ पर, सही है। इसके अलावा यहाँ पर ऑफ कोर्स टूरिस्ट आते हैं, तो इकोनॉमी एंड लाइफस्टाइल कैसे चलता है, टूरिज्म के जरिए, मिनरल्स हैं यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से यू हैव रिवर्स जहाँ पर फिशिंग थोड़ी बहुत प्रमोट हो जाती है, ठीक है ना। यू हैव फॉर एग्जाम्पल मिनरल के अंदर यू कैन टॉक अबाउट लाइमस्टोन परहैप्स, ठीक है, राइट। तो ये इकोनॉमिक लाइफस्टाइल है, ठीक है ना। रेनफॉल या रिवर्स, भाई यहाँ पर बड़े मशहूर मशहूर रिवर्स हैं, आपको ये नाम याद करने हैं, रिवर खुर्रम, ठीक है, गोमाल, ठीक है ना। गोमाल के ऊपर जो है ना वो एक डैम भी बना हुआ है जिसका नाम है गोमाल जम डैम, ठीक है। ये रिवर्स के नाम है बेटा, खुर्रम, गोमाल, यस ऑफ कोर्स, टोची रिवर भी यहीं पर है, ठीक है। रिवर्स एंड रेनफॉल, ठीक है। रेनफॉल कैसे होती है, बोथ इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल एंड स्नोफॉल, स्नोफॉल भी होती है और रेनफॉल भी होती है। तो सी हर लैप, ठीक है। एल इज फॉर द लोकेशन, एल इज फॉर व्हाट, एल इज लोकेशन। अच्छा, देखो वजीरिस्तान हिल्स जो हैं दे आर बेसिकली लोकेटेड बिटवीन दीज टू रिवर्स, ठीक है, दे आर लोकेटेड बिटवीन दीज टू रिवर्स। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिखेंगे दे आर लोकेटेड बिटवीन रिवर्स खुर्रम, बेटा कौन से रिवर्स, रिवर खुर्रम एंड गोमाल। चलो मेरा दिल खुश कर दो अगर मुझे कोई ये बता देगा। भाई सीन सुनो, मैं एक रफ तुम लोगों को मैप बना के दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तुम्हारे पास ये बेसिकली रिवर खुर्रम आ गया लेट्स से, और ये गोमाल आ गया, ये बीच में जो पहाड़ी सिलसिला है दैट इज व्हाट वजीरिस्तान, ये एक रफ मैप है। मुझे बताओ कौन सी बॉर्डर लगेगी यहाँ पे, जिस बच्चे ने बता दिया ना उसको मजे की टोपोग्राफी आ गई, कौन सी बॉर्डर लगेगी और इसका आंसर कहाँ से आएगा, यही तो मजा है अलीजान दवानी से पढ़ने का। इसका आंसर आएगा पहले पेज से, सीधा सीधा पहले पेज से। जी ये जो कराया था, क्या करवाया था, ये लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। चले भाई बताएं कौन सी इसके अंदर आपके पास बॉर्डर आएगी, जबरदस्त अफगानिस्तान बॉर्डर आएगी, कौन सी बॉर्डर आएगी। सो दीज आर द रेंजेस विच आर अलोंग द अफगान बॉर्डर। अल्हम्दुलिल्लाह, चलो आ गया, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। हर लैप, लैप को तो छोड़ना ही नहीं है, लोकेशन हो गई। उसके बाद हम बात करेंगे एवरेज हाइट, 3500 मीटर्स, ठीक है। ये मैं आसानी से घुमा घुमा के फिगर्स लिख लाऊं, फिर मैसेज में मेरा सर मत खाना, सर आपने नोट्स में 3512 3513 मीटर्स लिखा हुआ है, मैंने रिपीट किया है बहुत बार, मीटर्स में अप्रोक्सीमेशंस चल सकती है, ठीक है बेटा। उसके बाद आपके पास फिजिकल फीचर्स आएगा, भाई फिजिकल फीचर्स के अंदर आपको यू नो यू हैव स्नो कैप्ड पीक्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्नो कैप्ड पीक की एक एग्जांपल दी, कौन रिपीट करेगा चैट में, कौन सी रेंज स्टार्ट्स विद एस, स्नो कैप पीक्स में एक एग्जांपल किसकी आएगी बेटा, एनीवन, सफेद को, जबरदस्त, यू हैव द सफेद को रेंज, ठीक है, ऑल राइट।
ठीक है ना। चलें जी, तो ये हमने बात की वजीरिस्तान हिल्स के बारे में, हमने पढ़ लिया क्या, हमने पढ़ लिया सीहर लाब। ठीक है, अब दूसरी जो हमारे पास रेंजेस हैं जो वेस्टर्न माउंटेन्स के अंदर आती हैं, दोज आर कॉल्ड व्हाट, दोज आर कॉल्ड सुलेमान रेंज या कोहे सुलेमान। ठीक है, ओके। इसके बारे में कुछ बेसिक बातें, मैं हर डैश फिल नहीं करूंगा इसके अंदर, ठीक है, मेहनत कर लीजिएगा आप थोड़ी सी अगर आपको इंटरेस्ट हो, मैं वो बातें बताऊंगा जो हमारे लिए काम की। ठीक है, हाईएस्ट पीक तख्ते सुलेमान, वो गाना किसने सुना है, कोक स्टूडियो का है ना, दाना पे दाना, उसमें बोलता है ना तख्ते सुलेमान। ठीक है, तो ये वो है तख्ते सुलेमान, तख्त का मतलब होता है थ्रोन, तख्ते सुलेमान। किसी को पता है इसको तख्ते सुलेमान क्यों कहा जाता है, एनी आइडिया वाई दिस इज नोन एज तख्ते सुलेमान? प्रॉफिट सुलेमान की वजह से, ठीक है, प्रॉफिट सुलेमान की वजह से, ठीक है ना भाई। इसकी हाइट तकरीबन तकरीबन ये कहा जाता है कि 3,490 मीटर है, ठीक है, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 3,490 मीटर्स। ठीक है, कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक 3,485, 3,487 भी है, डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा चलो इसके ऊपर मैं तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट दे देता हूँ मेरी बात को प्रूफ करने के लिए। तुम लोग गूगल पे एवरेज हाइट निकालोगे या हाईएस्ट पीक निकालोगे ना, तो तुम्हारे पास 10 एस्टिमेट्स आएंगे। कितने एस्टिमेट्स आएंगे, 10 एस्टिमेट्स आएंगे। ठीक है जी फातिमा, आपके सवाल का जवाब बेटा है यस। ठीक है, ऑल राइट। एवरेज हाइट, एवरेज हाइट आपके पास सुलेमान रेंज के 2,000 मीटर्स, कितनी है बेटा, 2,000 मीटर्स। ठीक है, उसके अलावा नेचुरल वेल्थ, यहाँ पर हमें क्या मिलता है बेटा, कौन से मिनरल, लाइमस्टोन, चूना, जो आप मुझे नहीं मार सकते, उसके बाद सैंडस्टोन, ठीक है, सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है ना। और इसके अलावा एक मशहूर फॉरेस्ट है जूनिपर फॉरेस्ट, वो भी यहीं पर है इलाका, ठीक है, यस और नो? ठीक है, सो दीज दीज आर सम फैक्ट्स अबाउट सुलेमान रिंग, ठीक है, या कोहे सुलेमान के बारे में। ठीक है, बाकी जो चीजें हैं यू कैन टेक फ्रॉम द ऑफ कोर्स फ्रॉम द नोट्स। रिवर्स में आप बोलान लिख सकते हैं, मेन रिवर मैंने दो तीन जिक्र किए हुए होंगे अपने नोट्स के अंदर, यू कैन यू नो यूटिलाइज दैट फ्रॉम देयर इज वेल। ठीक है, तो ये सुलेमान रेंज के बारे में बेसिक बातें। डायरेक्शन इसकी बेटा ईस्ट टू वेस्ट है, ईस्ट टू वेस्ट है, ठीक है। डिस्टेंस तकरीबन 400 किलोमीटर तक ये रेंजेस चलती हैं, ये सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। यू नो इफ यू वॉन्ट टू राइट यू कैन ऑफ कोर्स यूजिंग द नोट्स, ठीक है, या बुकलेट्स। तो समझ में आ गई आपको बात किसके बारे में, सुलेमान रेंज के बारे में। सुलेमान रेंज के बारे में अगर कोई मसला है तो प्लीज पूछें, दिस इज वेरी इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड। देखो मोटी मोटी बातें याद कर लो, जैसे तख्ते सुलेमान हाईएस्ट पीक है, एवरेज हाइट ये है ये, और रिवर, ये मेन बात है, ठीक है, ऑल राइट। अच्छा नोट्स का, जिसके पास नोट्स नहीं है वो मुझे बता देना, मेरा नंबर पर, मेरे नंबर पर मैसेज कर देना, या आपके इंस्टीट्यूट के एडमिन से आप ले लेना, ठीक है, ठीक है ना, यू कैन गेट, या मुझे डायरेक्टली कर दे मैसेज, कोई मसला नहीं है, मैं वीकेंड के ऊपर तो जवाब देता हूँ एक्टिवली, ठीक है, ओके। लेट्स मूव ऑन टू द कीर्थर रेंज, किसके बाद